ये सारी कंपनी के मानते इन्होंने किया ये एक्स्ट्रा थैंक यू वो भी मैं उनको ठीक है सर अब थोड़ा टाइट कर लो बस इसके फोर बटालियन जो रामबन उधमपुर में डिप्लॉयड हैं इसके रेजिंग 1 जून 1995 को ग्रुप सेंटर जरोदा काला न्यू दिल्ली में हुआ था। 2010 से ये बटालियन यहीं डिप्लॉयड हैं। हमारा मेन काम आरओपी है तो आज हम 39th रेजिंग डे मना रहा है। जो रेजिंग डे का जो सेलिब्रेशन है दो सप्ताह से चल रहा है। हमने कंपनी वाइज गेम का स्पोर्ट्स का कंपटीशन हुआ है, फिजिकल फिटनेस का कंपटीशन हुआ है, बैडमिंटन वॉलीबॉल कैरम चेस इस तरह से टेनिस का भी एग्जीबिशन मैच किया है। उसकी बात कल यहाँ पे एक बड़ा पैमाने पे एक मेला का ऑर्गेनाइज किया था जिसमें सभी यूनिट का पर्सनल 300-400 इनके फैमिली सब आकर के भाग लिए थे। और इसकी साथ साथ में इसकी रनअप में हमने करोल रामबन में एक सिविक एक्शन फ्री मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज किए हैं। और आज मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पे क्वार्टर गार्ड में सबसे पहले तो मंदिर में एक छोटा सा कार्यक्रम दिन का अच्छा शुरुआत के लिए पूजा किया है। उसके बाद क्वार्टर गार्ड में सलूट का सलामी का कार्यक्रम हुआ। उसकी बात में सैनिक सम्मेलन हुए। उसकी बात में अभी ब्लड डोनेशन कैंप जस्ट अभी चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पर्सनल ब्लड दे रहा है और अभी ट्री प्लांटेशन के लिए हम तैयार हैं क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वातावरण को एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना हमारा सभी सिटीजन का जवाबदारी है। तो फोर्थ लेवल में इसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी देते हैं। अभी हम लोग मिल करके 100-200 के करीब पौधा हम लोग लगाएंगे। और आज शाम को कल्चरल का कार्यक्रम सभी बटालियन के कार्मिकों द्वारा एक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बड़ा खाना होगा। इसी तरह से हमारा रेजिंग डे का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। DRPF सबसे बड़ा फोर्स है। एक दो बटालियन से लेकर के अभी 250 के करीब बटालियन हो गई है। हम हर ड्यूटी करने के लिए सक्षम हैं इसलिए हमारा ग्रोथ जल्दी भरा हुआ भी हो रहा है। और हर जगह पे किसी भी किस्म के ड्यूटी, चाहे वो उग्रवादी से लड़ना हो, चाहे इलेक्शन का ड्यूटी हो,
चाहे दंगों का, लॉ एंड ऑर्डर का, किसी भी प्रकार के ड्यूटी के लिए सीआरपी तैयार है और सीआरपी